हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन प्लस नॉर्ड के कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। तो आज आप लोगों के साथ हम रिवील करने वाले हैं कुछ हिडन ट्रिक्स और टिप्स। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रांड न्यू वन प्लस नॉर्ड। तो ये जो फ़ोन है, मैं इसको लगभग एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका परफॉर्मेंस जो है दिन भर दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगते जा रहा है। सो आपको इस फ़ोन के बैक साइड में ग्लास फिनिश देखने के लिए मिल जाएगा और मेरा हाथ जो है थोड़ा बहुत स्वेटी है, सो इसीलिए मैं इसको कवर के साथ प्रीफर करना ही पसंद करता हूँ। तो अभी हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा ट्रिक। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ वन प्लस, तो अभी आप देख सकते हैं जो कि शो कर रहा है नेवर सेटल। तो ये जो है कोई टिप्स नहीं है, मगर छोटा सा ट्रिक है जो कि दूसरे फ़ोन से इसको स्पेसिफाइड बनाता है। तो अभी हम चलते हैं यूज़र बेस में। तो यूज़र बेस में आप आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरा नाम लिख रहा है, उसके साइड में गेस्ट और ऐड यूज़र लिख रहा है। तो नॉर्मली दूसरे फ़ोन्स में आपको एक या दो यूज़र बेस ही देखने के लिए मिल जाएगा, मगर इस फ़ोन में आप मोर देन टू यानी कि लगभग 3 और 4 यूज़र के साथ इस फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने गेस्ट पर क्लिक किया है और थोड़ी टाइम लेने के बाद ये जो है गेस्ट मोड इसका जो है एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये कोई भी एप्लीकेशन आपको शो नहीं करेगा, जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, सिर्फ वही एप्लीकेशन वगैरह आपको शो करेगा जो कि पहले से ही इंस्टॉल्ड इसमें आता है। तो अभी मैं फिर से अपने यूज़र में चला जाता हूँ और आप लोगों को वहीं पर ही सब ट्रिक्स और टिप्स आपको बताने जाऊँगा। तो देख सकते हैं अपने यूज़र में आने के बाद ये पहले अपना फिंगरप्रिंट या फिर पासवर्ड आपसे पूछता है, फिर नॉर्मली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत वॉलपेपर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉलपेपर आपको पहले से ही देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इसमें से कोई यूज़ नहीं करेंगे तो गैलरी या फिर फोटोज़ में जाके आप अपना कोई भी कस्टमाइज वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको थोड़ा बहुत 3D इफेक्ट इसमें भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो वॉलपेपर में जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरे स्पेसिफिकेशन। तो अभी हम चलते हैं दूसरे स्पेसिफिक मोड में। तो विजेट्स पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत आप चेंजेस ला सकते हैं अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में। तो फिर हम चलते हैं होम सेटिंग पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं होम सेटिंग पे आपको लॉन्चर लेआउट का सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके थ्रू आप अपने आइकन्स को यानी कि एप्लीकेशन को साइड वाइज या फिर ड्रॉअर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको इसका ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। फिर हम चलते हैं नोटिफिकेशन डॉट्स पे। तो नोटिफिकेशन डॉट्स पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करने से अगर आप चाहते हैं कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन डॉट की तरह स्क्रीन के साइड पे आपको मेंशन हो तो आप सेट कर सकते हैं। तो फिर हम आ गए हैं आइकॉन पैक में। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो स्पेसिफिक मोड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऑक्सीजन में आपको सर्कुलर शेप और हाइड्रोजन में आपको स्क्वायर शेप मिल सकता है। तो इसके थ्रू आप अपने आइकन का शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं और मोर के लिए आप प्ले स्टोर पर जाके थोड़ा बहुत सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं होम स्क्रीन लेआउट पे। तो यहाँ पे आपको 3x5, 3x6 से लेकर 5x6 तक हर एक सेटिंग मिल जाएगा, तो जिसके थ्रू आप अपने ग्रिड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आइकॉन साइज में आपको 3 स्पेसिफिक मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज है, और इसके थ्रू आप अपने आइकॉन का साइज चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है ऐप्स नेम। तो अगर आप चाहे ऐप्स नेम को ऑन करके आप अपने आइकन्स का नेम जो है नीचे से हाइड कर सकते हैं, या फिर ऑफ करने से आपको आइकन के नीचे जो है नेम वगैरह शो करेगा। तो यही था बस इसका एप्लीकेशन थोड़ा बहुत। तो फिर हम चलते हैं सेटिंग्स पे और वहीं पे आप लोगों को दिखाऊंगा इसका स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे मोबाइल डाटा पे जाने के बाद यहाँ आप नेटवर्क, सिम, डाटा, कॉल ये सब आप वैसे ही सेटिंग कर सकते हैं जैसे कि दूसरे फ़ोन में करते हैं। तो उसके बाद ब्लूटूथ और डिवाइस कनेक्शन में भी आपको बहुत सारा स्पेसिफाइड मोड देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि कास्ट हो गया। तो यहाँ आप कास्ट में आने के बाद अपने फ़ोन को अपने टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं अडैप्टिव ब्राइटनेस भी आपको सेट करने मिल जाता है, और उसके बाद आपको मिल जाता है स्लीप मोड। तो स्लीप मोड भी आप सेट कर सकते हैं टाइमर देके। और उसके बाद एडवांस्ड में जाने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाता है स्क्रीन कैलिब्रिटी, और यहाँ पे अपने ब्राइटनेस वगैरह आप सेट कर सकते हैं किस तरीके का ब्राइटनेस आप प्रीफर करते हैं। फिर आप चलते हैं रिफ्रेश रेट पे। तो यहाँ पे आपको 60 और 90 दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो अपने यूज़ के हिसाब से आप इसको सेट भी कर सकते हैं।
तो उसके बाद हम चलते हैं फ्रंट कैमरा डिस्प्ले एरिया पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा जो नॉच आपको दिख रहा है उसके साइड में ही आपको टाइम, नोटिफिकेशन या फिर डाटा जो है वो सब शो करता है। तो अगर आप चाहें इस नॉच को हाइड करने के लिए, तो आप यहाँ पे हाइड द फ्रंट कैमरा ऑप्शन सिलेक्ट करने से आप देख सकते हैं जो है ऊपर के लाइट में आपको बहुत बड़ा नॉच देखने के लिए मिल जाता है, जिसके थ्रू जो है फ्रंट कैमरा आपका जो है हाइड हो जाता है। तो पर्सनली मुझे स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन का मोड भी मिल जाता है। तो आप जिस भी एप्लीकेशन को ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो अपने हिसाब से आप उन एप्लीकेशन को परमिट कर सकते हैं अपने फ़ोन के फुल स्क्रीन में इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं नाइट मोड में। तो नाइट मोड सिलेक्ट करने से ये जो है अपने आप ही स्क्रीन का ब्राइटनेस एडजस्टमेंट हो जाता है अपने आँखों के सुइटेबिलिटी के हिसाब से। तो फिर हम चलते हैं रीडिंग मोड में। तो रीडिंग मोड में भी आप देख सकते हैं कैसे ब्लैक एंड व्हाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर आप चलते हैं वाइब्रेंट कलर इफेक्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर वाइब्रेंट कलर इफेक्ट आप क्लिक करते हैं तो कैसे आपको कलर जो है चेंज होते दिखाई देगा। तो अभी हम चलते हैं एंबिएंट डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले मैसेज भी आप जो भी चाहे टाइप कर सकते हैं। तो मैं अपना नाम जो है यहाँ पर लिख लेता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कैसे शो कर रहा है टाइम के नीचे। तो अभी मैं आपको इसको चेंज करके भी दिखाता हूँ, आप जो भी चाहें यहाँ पर मैसेज अपने बारे में शो कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ भी ऐसे वैसे लिख रहा हूँ। तो इसको सेव करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वन टैप करने से कैसे जो है डिस्प्ले मैसेज शो कर रहा है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा लगा ये स्पेसिफिकेशन। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपको दूसरे फ़ोन्स में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हर एक एप्लीकेशन के थ्रू अलग अलग नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अभी हम चलते हैं फॉन्ट साइज़ में। तो फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से चार मोड मिलते हैं तो सेट कर सकते हैं स्मॉल से लेकर लार्ज तक। तो उसके बाद हम चलते हैं डिस्प्ले स्केलिंग पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैसेजेस जो शो कर रहा है उसका भी साइज आप छोटा या फिर बड़ा रख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्टेटस बार पे। तो स्टेटस बार पे आप यहाँ देख सकते हैं आपको बैटरी स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है जो कि है सर्कल, हिडन या फिर बार साइज। तो पर्सनली मैं जो है सर्कल से भी यूज़ करता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और दूसरे फ़ोन्स में भी आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सर्कल जो है इसको यूज़ किया और आप देख सकते हैं ये जो है सर्कल हो गया और हाइड करने से हाइड भी हो जाता है। तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पे दूसरे मोड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि शो बैटरी परसेंटेज, डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड या फिर टाइम। तो टाइम जो है अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो हावर, सेकंड, मिनट सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स के साथ दिखाई देगा। उसके बाद आप चलते हैं हम आइकन मैनेजर पर। तो आइकन मैनेजर पर आप देख सकते हैं हर एक आइकन को आपको सिलेक्ट करने का स्पेसिफिक बटन जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन सेवर में। तो स्क्रीन सेवर में भी आप अपने हिसाब से टाइमर सेट कर सकते हैं कि कब स्क्रीन सेवर जो है अप्लाई हो जाए। तो उसके बाद हम चलते हैं कस्टमाइजेशन पे। तो यहाँ पे जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन सेवर में वॉलपेपर मिल जाते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लॉक का जो आइकॉन है क्लॉक स्टाइल भी बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं आपको कौन सा आइकन चाहिए, या फिर आपको नॉन का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक एनिमेशन सेट किया है तो फिंगरप्रिंट देने से वही एनिमेशन आपको डिस्प्ले लॉक में सेट मिल जाता है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे मोड में जो कि है टोन। तो यहाँ पे स्क्रीन टोन भी चेंज कर सकते हैं जो कि कलरफुल, लाइट या फिर डार्क मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो पर्सनल मैं जो है डार्क मोड ही प्रीफर करता हूँ ज़्यादातर। तो उसके बाद आपको बटन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बटन आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बटन के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इन सब बटन्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ग्रीन से ब्लू, रेड, स्काई ब्लू, ग्रीन, ये सब कुछ अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो जो भी कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं आइकॉन पैक पे। आइकॉन पैक पहले से मैंने आपको दिखाया था। तो अभी हम चलते हैं दूसरे मोड पर जो कि है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं और लास्ट में टॉच और वाइब्रेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अभी हम चलते हैं रिंगटोन एंड वाइब्रेशन में। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर एक एप्लीकेशन का स्पेसिफिक आपको मोड मिल जाता है। तो जो भी एप्लीकेशन आप चाहें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं दूसरे मोड पर। तो अभी हम चलते हैं बटन्स एंड गेस्चर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अलर्ट स्लाइडर का कस्टमाइजेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको अलर्ट स्लाइडर में साइलेंट, वाइब्रेट या फिर रिंग का मोड देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस या फिर कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा।
तो उसके बाद हम चलते हैं नेविगेशन बार एंड गेस्चर पे। तो यहाँ भी वैसे ही आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं क्विक गेस्चर पे। तो क्विक गेस्चर जो है हर एक फ़ोन में देखने के लिए ज़्यादातर आपको आज के डेट में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको 5 मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि 0 हो गया या फिर OVSMW। ये भी आप अपने हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके थ्रू अगर आप चाहे अपने फ़ोन को लॉक अनलॉक कर सकते हैं या फिर अपने गूगल असिस्टेंट को लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने इसके थ्रू अपना गूगल असिस्टेंट को लॉन्च किया, तो अभी आप देख सकते हैं सिर्फ ऑन ही हो रहा है। तो इसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो फिर अभी हम चलते हैं प्राइवेसी में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राइवेसी में आपको परमिशन मैनेजर मिल जाता है और उसके साथ लॉक स्क्रीन, एडवांस्ड, ये सब हर एक चीज़ का आपको स्पेसिफिक मोड्स देखने के लिए मिल जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं डिजिटल वेलबिंग एंड पैरेंटल कंट्रोल पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्कल शेप में जो है अलग अलग कलर में आपको शो कर रहा है कौन सा एप्लीकेशन आप कितने देर तक यूज़ किए, कितने बार फ़ोन को अनलॉक किया, कितना नोटिफिकेशन आया, ये सब कुछ आपको डिटेल्स के साथ देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अकाउंट्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट सेटिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी हम फिर से चल रहे हैं स्टोरेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना परसेंटेज का स्टोरेज जो है, कहाँ पे कितना फिलअप हुआ, कहाँ पे कितना बाकी है, वो सब आपको डिटेल के साथ दिखाएगा। तो फिर हम चलते हैं बैटरी पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 81% का बैटरी है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो है, आप देख सकते हैं मैप के हिसाब से तो कहाँ पे कितना बैटरी ड्रॉप हुआ वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये जो फ़ोन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा पहला वन प्लस फ़ोन है। तो इसका जो अलर्ट स्लाइडर है पर्सनली जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो ये फ़ोन है लगभग एक हफ्ते से इस्तेमाल किया है, मगर पहले एक दो दिन में मैं इसको बिना कवर के यूज़ कर रहा था। तो कवर निकाल के भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ग्लॉसी और ब्राइट फिनिश देखने के लिए मिलता है, मगर यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी स्क्रैच या फिर दाग धब्बे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अभी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, कोई भी आपको स्पॉट या फिर स्क्रैचेस वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसके साथ आपको जो है एक स्क्रीन गार्ड पहले से इंस्टॉल्ड मिलता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद आपको इस फ़ोन का रिव्यू भी देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को कैमरा रिव्यू और पबजी गेम प्ले का भी रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा इस चैनल के अंदर। वेट। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मैं ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ। तो अभी एडिट करते वक्त ही स्पेसिफिकेशन के बारे में मुझे पता चला, तो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर में आपको एडिट का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लिक करने से यहाँ पे प्ले स्टोर का जो नेम है वो मेंशन हो जाता है। तो अभी मैं इसको क्लियर करके कुछ नहीं, बस ऐसे ही ABC ही लिख रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं प्ले स्टोर का नाम चेंज होके ABC हो गया। तो ये जो है मैं लगभग हर एक एप्लीकेशन के साथ टेस्ट किया, और ये जो है हर एक एप्लीकेशन के साथ काम कर रहा है, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा, ट्विटर, कुछ भी। आप किसी भी एप्लीकेशन का नेम चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको दूसरे एप्लीकेशंस के भी नाम जो है चेंज करके दिखाता हूँ कि कैसा ये वर्क कर रहा है। सो जैसे कि आपने देखा प्ले स्टोर भी हो गया, तो और एक एप्लीकेशन में ट्राई करते हैं, जैसे कि हो गया गैलरी। तो ये जो एप्लीकेशन है कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, जो कि पहले से इस मोबाइल के अंदर था। तो हाँ, यहीं पर भी आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। सो इस फ़ोन में आपको एप्लीकेशन या फिर आइकॉन के नेम से लेकर आइकॉन बार का कलर तक चेंज करने का या फिर कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है इस प्राइस रेंज यानी कि इस बजट सेगमेंट के अंदर। सो मुझे नहीं लगता किसी और वीडियो में आप लोगों को OnePlus Nord के बारे में इतने सारा हिडन या फिर सीक्रेट ट्रिक्स और टिप्स आपको बताए होंगे। तो अगर किसी वीडियो में मेंशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, मगर इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन भी तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे सेफ़।